इसकी तकलीफ देख के मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? अरे इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। भाई साहब आपका नाम क्या है? अपने घर वालों का नंबर दीजिए, उनको बुलाएंगे, आपको लेकर जाएंगे। घर वाले आप हॉस्पिटल ले चलो भाई, हॉस्पिटल लेके चलो भाई। टैक्सी टैक्सी। हे भगवान, ये जो भी है प्लीज इसे ठीक कर देना। मैं चलूं आपके साथ? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ऑटो चादा। ये किसने लिखा? मिस्टर राहुल मेहता, आपके लीवर की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से but you are dying. आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट देख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या
और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। नहीं लगी? तू चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी बात